हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस चलो मैं ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर की हुई थी, इडली बनाई थी, मैं इडली नहीं बना पाई थी रात को। तो ये नेक्स्ट डे सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर देखिए मैं चटनी की तैयारी कर रही थी, टमाटर की चटनी बनाने का। और मैंने रेसिपी टमाटर की चटनी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर सुबह का टाइम है, मतलब 5:30 से 6 बजे का अंदर का टाइम है। और मैं इडली बनाने जा रही थी। देखिए मैंने पीसी हुई थी ना कल, आप लोगों ने देखा ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में, तो ये जो बैटर है बहुत ही बढ़िया से फूल चुकी है और बहुत ही बढ़िया इडली बनने वाली है। और यहाँ पर मैंने पानी बिठा दी हूँ गर्म होने के लिए और चटनी बन रही है। मैं फटाफट से इडली बना लेती हूँ। और सुबह सुबह मैं बापी ना के लिए, मेरे लड़का बापी के लिए ना यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, इडली और चटनी उसको देने वाली हूँ स्कूल के लिए टिफ़िन में। तो मैं सोची चलो ब्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। और पहली बार ये जो मतलब इडली बनाने का जो पहल यहाँ पर मैं बनाना शुरू कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं ब्लॉग भी शुरू कर दी थी सुबह सुबह। तो यहाँ पर पहले मैं सारे छाँच में ना यहाँ पर मैं सांचे में ना पूरा तेल लगा लेती हूँ। तेल लगाने के बाद फिर ये बैटर है कच्चे की मदद से ना थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। और जब आप लोग इडली मतलब सांचे में डालो तो थोड़ा सा खाली जगह रख के डालना, पूरा भर नहीं देना, भरने से उसको फूलने का मतलब जगह नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा मतलब जगह देती हूँ इडली को फूलने के लिए। तो यहाँ पर फटाफट से मैं इडली बिठा देती हूँ और कैसे इडली बनती है वो भी दिखा देती हूँ। मैंने इडली दिखा दी है, इडली बन रही है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर चटनी को मैंने अच्छे से भून ली है और ये मतलब रेडी हो चुका है चटनी बनने के लिए। इसको बस ठंडे होने के लिए मैं रख दूँगी एक प्लेट में जल्दी जल्दी से, क्योंकि कढ़ाई में जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो इसको मैं प्लेट में निकाल के ना पंखा में रख दूँगी, ये ठंडा हो जाएगा, तब मैं इसको मिक्सी में पीस कर इसकी चटनी बना लूँगी। तो तब तक इडली भी बन जाएगा। और सुबह का ना बहुत भी काम होता है यहाँ पर, मैं ये करके ना भगवान जी का पूजा वगैरह करना होता है, तो फटाफट इसको दे रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो मैं यहाँ पर ना फिर प्लेट में नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं सोची चलो इधर पंखा चला के रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा जब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं रख दी हूँ और पंखा ऑन कर देती हूँ, ठंडा हो जाएगा फटाफट से। तो गैस इडली बन चुकी है, मैं चेक कर ली थी और गैस ऑफ कर ली हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गर्म पानी करती हूँ मेरे लिए, मेरी जो दवाई खानी होती है सुबह खाली पेट, तो मैं खा ले पी लेती हूँ पहले सुबह, नहीं तो फिर गैस हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं ना 4:30 बजे जग जाती हूँ, फिर का मतलब झाड़ू वगैरह लगा करके, पोछा वगैरह लगा के ना मैं नहा लेती हूँ 5 बजे तक, और फिर ये सब काम करता है, तब तक ना कुछ खाती पीती नहीं हूँ तो गैस हो जाता है मेरा। तो इसलिए मैं ना डेली ये दवाई खा लेती हूँ गर्म पानी से। तो पहले मैं ये दवाई खा लेती हूँ, फिर चटनी भी पीस लूँगी और बापीना का लंच बॉक्स भी मैं रेडी कर लूँगी, उसका टाइम हो रहा है, वो भी तैयार हो रहा है। तो मैं यहाँ पर देखिए चेक कर लेती हूँ ठंडा हो गया नहीं हो गया, लेकिन ये ना थोड़ा थोड़ा बस गर्म है, अभी ठंडा हो जाए तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। देखिए ग्लास में मैं पानी रखी हूँ गर्म पानी, तो बैठ के मैं पानी पी लेती हूँ, फिर चटनी पीस लूँगी। और इडली तो बनकर रेडी है।
और यहाँ पर बापी आके देख रहा था मम्मी क्या बनाई है लंच बॉक्स में, मतलब टिफिन के लिए, तो मैं वो देख रहा था चटनी बनाई, उसका फेवरेट है चटनी ये वाला, और इडली भी पसंद है इसको, पूरी लेकिन इसका ज़्यादा फेवरेट है। और यहाँ पर देखिए सुबह पे नहा तो चुका है, लेकिन ना नहाने के बाद आके फिर अपना फेस वॉश करता है, यहाँ पर फेस वॉश रखा है, फेस वॉश करेगा फिर ब्रश करेगा, तो ये काम ना ये बाद में करता है, पैर ना पहले ना नहा के निकल जाता है। और देखिए वो देखेगा ना जब ब्लॉग की मम्मी मेरे बारे में ये सब बोला है बोली है तो मेरे ऊपर थोड़ा मतलब नाराज़ हो जाएगा क्यों बोला करके मेरे बारे में। तो चलो बापी रेडी हो रहा है और मैं इडली दिखाती हूँ आप लोगों को निकाल के। चेक तो की थी मैंने स्कूप के ज़रिए कि हो चुका है, देखिए बहुत ही बढ़िया इडली बनी है, फुला फुला, और वो बहुत ही बढ़िया नरम सॉफ्ट इडली बनी है, आप लोग देख सकते हो। और मैं निकाल के देखती हूँ, तो यहाँ पर मैं इडली निकालूँगी, तो इडली निकालने से पहले ना थोड़ा सा पानी आप छिड़क दो चारों तरफ तो आसानी से इडली निकल जाएगा। ऐसे है फिर भी मेरे से अच्छे से नहीं निकल पाती है, लेकिन आज ना बहुत ही अच्छे से निकल गई थी इडली, मैं पानी दे दी हूँ। और स्कोप जो स्पून है ना, स्कोप बोले स्पून का जो पिछले वाला हिस्सा है उसमें उसके ज़रिए आप निकाल लो, तो मैं यहाँ पर निकाल के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए मैं स्पून ले रही हूँ, स्पून का देखिए पिछला हिस्सा दिखा रही हूँ, इसके इसी साइड से आप निकालो, तो ये है इडली। तो पानी मैं चारों तरफ देखे पानी निकाल दी हूँ, और ऐसे करके चारों तरफ से आप आराम से इडली निकल जाएगी, देखिए बहुत ही बढ़िया से निकल गई है। और इडली बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना था, मैं आपको हाथ से भी दिखा दूँगी, और देखिए कैमरा के सामने लेके आ रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया से निकल रही है, और थोड़ा बहुत बस लग जाती है क्योंकि रस का है ना छाँच, स्टील में ना बिल्कुल भी नहीं चिपकती है, थोड़ा इसमें चिपक जाती है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर इडली मेरी बहुत ही बढ़िया बना था, और सब खाए थे, और मेरे हस्बैंड जी का फ्रेंड भी सुबह सुबह आए थे तो उनको भी मैंने दिया था, तो वो भी खा के तारीफ़ कर रहे थे कि ऐसे इडली कैसे स्पॉन्जी बना है, बहुत ही सॉफ्ट और नरम बना है। तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया पिछले ब्लॉग में कैसे आप मतलब ऐसे बैटर बनाओ कि कैसे पीसना है क्या करना है, तो ताकि आपकी इडली जो है ना बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो बढ़िया ही बना था ये ट्रिक, मैंने आजमाई तो बहुत ही बढ़िया बना था, तो सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूं, आप लोग भी ऐसे ही बनवाओ इडली। तो गाइस देखिए बापीना का अभी तक अपना काम नहीं हुआ है, लेकिन मेरा इडली बन चुका है, बस ये अभी चटनी पीसने जा रही हूँ, चटनी पूरा ठंडा हो गया था। और एक गाइस हम लोग ना उड़ीसा में ना इडली डोसा बड़ा समोसा सभी में ना हम लोग चटनी इतना पसंद नहीं करते हैं, उड़ीसा के लोग ज़्यादातर लोग ना हम लोग यहाँ पर सब्ज़ी पसंद करते हैं ये सब चीज़ में खाने के लिए, मुझे पसंद है लेकिन चटनी सब्ज़ी से ज़्यादा, पता नहीं साउथ के लोग तो चटनी पसंद करते हैं हर चीज़ में, ऐसे डोसा इडली जो भी हो सांभर पसंद करते हैं खाना, हमारे यहाँ सांभर तो पसंद करते हैं, वो एक सब्ज़ी बन गया, तो इडली के साथ हमारा एक मतलब है जिसके दाल है इडली के साथ ना, साउथ में तो सांभर होता है लेकिन हमारे यहाँ पर होता है इडली घुगनी, इडली घुगनी बड़ा ऐसे होता है, जो घुगनी एक रेसिपी है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत जल्दी, हो सके तो इसके अंदर कभी शेयर कर लूँगी। तो इडली के साथ ना ओट्स का दाल बहुत बैठता है,
चटनी इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं पसंद करती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा लड़का बापी, क्योंकि हम लोग बाहर ज़्यादातर रहते थे ना, तो ये सब के हमारा आदत है और ये हमको पसंद है। लेकिन यहाँ पर उड़ीसा में जो परमानेंट है तो उन लोगों को इतना पसंद नहीं है चटनी वगैरह खाना, लेकिन ये जो चटनी है ना, ये घर में हमारे सबको बहुत पसंद आया था, मैं बना के खिलाई थी, तो सबको ये चटनी पराठे इडली डोसा में खा लेते हैं और मैं इसलिए चटनी बनाई हूँ। लेकिन ये बात है कि इडली के साथ घुघनी जो रहे ना वो रेसिपी खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चटनी भी बन गई है और मैं फटाफट से टिफिन, मतलब बापी का टिफिन भी रेडी कर लेती हूँ, उसको टिफिन भी दे दूँगी, खा के थोड़ा बहुत निकल भी जाएगा वो, क्योंकि गाड़ी का टाइम हो रहा है, 6:30 बजे तक उसका गाड़ी आ जाता है। नाश्ता कर रहा है, तो उसका टिफिन रख दी हूँ, वो बैग में भर लेगा। और 6:15 हो रहा है, देखिए कितनी जल्दी मेरा काम हो गया है और मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने। देखिए तो अभी गाइस टाइम हो रहा है 11:30 बजे अभी टाइम है, और सोनी अपने पापा के साथ कहीं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे ना ऐसे, तो सोनी भी अपने उनके साथ ही घूम लेती है, हमेशा अपने पापा के साथ निकल जाती है, जब भी वो कहीं जाते हैं ना वो चप्पल पहन के रेडी हो जाती है जाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी को उसको लेके जाना पड़ता है, और वो भी कहाँ जाएंगे, उनका क्या काम, बस घूमेंगे फिरेंगे और कहीं अपना दोस्त वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ पर बातचीत बातें साते करेंगे, ऐसे ही है। तो ये लोग जा रहे हैं और मैं अंदर आधा अधूरा लंच भी रेडी कर रही हूँ, और मेरा पूजा भी हो चुका है, सुबह मैंने कर ली थी, तब उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी बापी के जाने के बाद, तो अभी मैं थोड़ा बहुत क्लिप बना ली हूँ और ब्लॉग को भी एंड कर लूँगी, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैं सोचा ना ही ज़्यादा क्लिप और नहीं बनाती हूँ, तो यहाँ पर मैं एंड करने वाली हूँ। अंदर भी दिखा देती हूँ क्या क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, तो चलो और दिखा देती हूँ, ब्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। तो ये घर देखिए ऐसे पड़ी, अभी सोनी खेल रही थी ना, अपना पूल वगैरह बना के, देखिए पानी बनाई है, पूल बनाई है, मैं एक बार बोली थी, ऐसे करके खेल रही है। और किचन में भी दिखा देती हूँ मेरा कैसा क्या लंच रेडी कर रही हूँ, तो चलो किचन में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल बिठा दी हूँ और साग भाजी बनेगा, सब्जी बनेगा, देखिए साग धो के भी रख दिया है छांट के, और चलो फिर लंच भी बना लेते हैं। देखिए प्याज कुछ सब कट के रखी हूँ और उड़द दाल और भी भिगो दी हूँ, रात को इडली बनाऊँगी इसलिए भिगो के रखी हूँ, और यहाँ पर मसाला भी रेडी कर ली हूँ सब्जी के लिए, और चलो और ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर देती हूँ। और कुछ बढ़िया सब्जी बनाने वाली हूँ, इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि ना गाइस वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगी, तो ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, मिलूँ तो इसी ब्लॉग में मिलूँगी, ब्लॉग मेरा कंटिन्यू रहेगा, बहुत ही बढ़िया रेसिपी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, बाय बाय।